For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. अगर आपको सलमान और श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन की जुमे की रात में केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी तो आपके लिए एक खुशखबरी है। ये जोड़ी एक बार फिर साथ में रोमांटिक नंबर करते दिखेगी और शूट थाईलैंड में होगी। जी हाँ, ये एक बार फिर होगा और ये फिल्म रेस 3 के लिए हो रहा है और फिल्म रेमो डिसूजा डायरेक्ट करेंगे। हमारे खुफिया सूत्रों ने कहा है कि रेमो खुद इस गाने की कोरियोग्राफी करेंगे और ये एक 20 दिन का स्केड्यूल है। फिर उसके बाद टीम यूएई में बाकी की शूट करेगी। रेस 3 रेस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है और भाईजान के इस फिल्म के साथ जुड़ने के बाद फिल्म से जुड़ी हर खबर सुर्खियों पर रही है। और भाईजान से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेस 3 की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने के बाद एक और नया रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर जिंदा है कि 4 सुपरहिट्स गाने 1 बिलियन स्ट्रीम्स का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। फिल्म के गाने फेसबुक, यूट्यूब, जियो म्यूजिक, सावन पर धूम मचा रही है और 1 बिलियन स्ट्रीम्स का रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और अब इस फिल्म के गाने भी यही कर रही है। तो है ना ये एक्साइटिंग न्यूज? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। सलमान खान वाकई में एक मार्वल है और वो हमेशा हमें अपने अगले मूव से सरप्राइज करती है। जब हमें लगने लगा कि उनके पास रेस 3 की शूटिंग के बाद टाइम ही नहीं बचा होगा, तब हमें पता चला कि वो 10 का दम शो की तैयारी में बिजी है, साथ ही अपने अगले वेंचर लव रात्रि के प्रोडक्शन में भी। और फिर हमें कुछ और एक्साइटिंग पता चला कि अब वो फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में एक कैमियो रोल में नजर आएंगे। करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, लारा दत्ता और बमन रानी की ये फिल्म बॉलीवुड की पहली 3D कॉमेडी है और इस फिल्म में सलमान की प्रेजेंस से एक्साइटमेंट एक अलग ही ऊंचाई छुएगी। तेईस फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क सलमान खान की प्रेजेंस से डेफिनेटली एक लाफ्टर राइट होगी, है ना? सलमान खान अब एक इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। उनकी फिल्म्स जो डोमेस्टिक मार्केट में धूम मचा रही है, वो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हंगामा कर रही है। बजरंगी भाईजान ने चाइना में जबरदस्त बिजनेस किया है। ये ट्रेंड आगे बढ़ाते हुए सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रशिया में रिलीज होने जा रही है। टाइगर जिंदा है 15 फरवरी को रशिया में 70 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म रशियन वॉइस ओवर के साथ रिलीज होगी। अब देखना ये है कि क्या टाइगर जिंदा है अपना कमाल रशियन मार्केट्स में भी दिखा पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फाइनली अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन आज ही रिलीज हुई है और इस फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस दोनों से ही रेव रिव्यूज मिले हैं। वेल, अब इस फिल्म ने तो ऑलरेडी एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट कर दिया है और कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया है। हाल ही हमने बिग बॉस 11 विनर शिल्पा शिंदे को आरजी मलिष्का के रेडियो शो पर बात करती हुई सुना, जहाँ उन्होंने बिग बॉस के घर के कई सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इन दोनों लेडीज ने तो खूब एंजॉय किया, मगर डिस्कशन में कई सारे सीरियस इश्यूज और ऑफ कोर्स फिल्म पैडमैन की चर्चा भी हुई, जहां शिल्पा मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर काफी वोकल थी और कहा कि उन्हें लगता है कि इस फिल्म से हालात कुछ सुधर सकते हैं। मतलब इन दोनों स्ट्रॉन्ग लेडीज को अक्षय कुमार की पैडमैन को प्रमोट करता और अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए देखना काफी अमेजिंग है, आपको नहीं लगता? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
सलमान खान की अपॉइंटमेंट डायरी काफी फुल है और आने वाले कई सालों के लिए उनके प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। फिलहाल बेटाउन के सुल्तान अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग में बिजी है। यह फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होगी, जिसके बाद वो फिल्म भारत की शूटिंग शुरू करेंगे, जो कि 2019 में फैंस को एंटरटेन करेगी। इस फिल्म के साथ सलमान अपने ही टाइगर जिंदा है डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ रियूनाइट होंगे और ये फिल्म इंडिया के 1947 वाले पार्टीशन से लेकर अब तक का प्रोग्रेस दर्शाएगी। सलमान खुद इस जर्नी को अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के साथ डिपिक्ट करेंगे, जहां वो टीनेजर से लेकर एक 70 साल के बुजुर्ग तक के रूप में नजर आएंगे। ये फिल्म अबू धाबी, स्पेन, पंजाब और दिल्ली जैसे कई लोकेशंस पर शूट होगी और इस फिल्म में स्टीम इंजन जैसी कई एग्जॉटिक एरा बेस्ड प्रॉप्स भी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग जून में शुरू होगी और अब जो हमें इस फिल्म की कहानी पता ही चल चुकी है, हम तो इस फिल्म के रिलीज के लिए और भी डेस्परेट हो गए हैं। और आप? हम सब जानते हैं कि सलमान हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। उन्होंने कटरीना कैफ के करियर को भी सपोर्ट किया है। वेल, अब उनकी टाइग्रेस ने उनसे अपनी बहन इसाबेल को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए हेल्प मांगी है। कहा जाता है कि सलमान ने पहले तो इसाबेल को फिल्म लव रात्रि में रोल ऑफर किया, जिसमें उन्होंने लुक टेस्ट भी क्लियर कर लिया, मगर जब ऑडिशन की बारी आई तो सलमान इसाबेल से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने ये रोल मरीना हुसैन को ऑफर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा के डेब्यू को लेकर सलमान कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, मगर ये बात कटरीना समझ नहीं पाई और हर्ट हो गई। मतलब कटरीना कब तक सलमान से नाराज रहेंगी ये तो टाइम ही बताएगा। मगर फिलहाल इस इशू पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान सालों से कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट करके छोटे पर्दे पर भी रूल कर रहे हैं, पर एक और शो भी है जिसे वो सभी को इम्प्रेस करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 का दम की। इस शो के पहले दो सीजन सलमान ने ही होस्ट किए थे और अब कई सालों बाद एक बार फिर वो इस पॉपुलर शो की होस्ट बनकर लौटेंगे। इस शो का प्रोमो फरवरी में शूट किया जाएगा और ये शो जून या जुलाई में एयर होने वाला था, मगर अब खबरों की माने तो सलमान खान ने इस शो के लॉन्च को प्रीपोन कर दिया है और अब इस शो का पहला एपिसोड 9 मई को टेलीकास्ट होगा। वेल, ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर सालू फैंस काफी क्रेजी हो जाएंगे, है ना? तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं। Just like 2017, when Salman Khan had two big releases, 2019 too will witness the same. His film Bharat is slated for an 8/2019 release and then he will entertain us with his Devil Avatar on Christmas the same year. Yes, earlier in the day, filmmaker Sajid Nadiadwala had announced that the sequel of Kick would soon be on the floors and would be releasing on Christmas 2019. While Jacqueline Fernandez was the leading lady for the first inning, we wonder if this time his tigress Katrina Kaif would be seen stepping in. Well, whoever be the leading lady, as long as we have our dear Salman Khan showcasing his daredeviltry, fans will never mind it. Don't you think so? Do let us know by commenting in the section below.